अस्सलाम वालेकुम। आज मैं करवाने लगी हूँ आपको अपने घर का होम टूर। जो दी हमारे जो हैं दो मेन गेट हैं, यहाँ पहला मेन गेट जो ब्लैक कलर का है उसे एंटर होते ही छोटी सी यहाँ पे जो है खूबसूरत सी क्यारी लगी हुई है। छोटे छोटे से एक पौधे हैं जो अब जाके वो बड़े हो गए हैं। और ये हमारा ऊपर जो है वो है घर, ग्राउंड फ्लोर पर हम रहते हैं। ये हमारा है मेन गेट और बराबर में जो छोटा गेट है वो है हमारे ओनर जो के ऊपर रहते हैं उनका। तो आइए हम चलते हैं अपने घर में अंदर जी। तो ये मेरा जो है वो गेट से एंटर होते ही कुछ इस तरीके का जो है वो मेरे घर का व्यू आता है। गेट से एंटर होते ही जो साथ ही साथ जो हैं वो ऊपर जो हैं वो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर जो हैं वो हमारे ओनर रहते हैं और नीचे जो हैं वो हम लोग रहते हैं। सामने ही आपको मेरा किचन नज़र आ जाएगा। जी बिल्कुल गेट के पास खड़ी हुई हूँ मैं और इससे बिल्कुल गेट से खड़े होके जो है ना वो बस ऐसा व्यू नज़र आता है। मेरा पूरा घर जो है वो खुला हुआ है, छोटा सा है पर प्यारा सा खूबसूरत सा ये हमारा घर है। ये गेट है हमारा मेन गेट है, ये हमारा अपना मेन गेट है और ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। यहाँ जो है वो एंट्रेंस के लिए आने जाने के लिए ऊपर के लिए जो एक गेट का जो है वो लगा हुआ है जो खुला रहता है। सामने ही हमारी डाइनिंग टेबल लगी हुई है, गेट के साथ ही जो है वो हमारी मशीन लगी हुई है पानी की, जो कि नीचे ही जो है टैंक बना हुआ है और मशीन लगी हुई है। गेट के साथ ही जो है दीवार के साथ जो है वो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, क्योंकि ड्रायर वाली है डबल है तो ये वॉशरूम में नहीं आ सकती, गेट के साथ ही मैंने रखी हुई है ये। साथ ही हमारा जो है ऊपर हमारा ये UPS का जो कनेक्शन है वो लगा हुआ है और हमारा आउटर लगा हुआ है। सामने हमारा ये मिरर लगा हुआ है और साथ ही ये हमारा यूज़ वाला जो वॉशरूम है, क्योंकि हम बाहर वाला वॉशरूम यूज़ करते हैं, दो हमारे वॉशरूम में पर हम यूज़ जो है वो बाहर का वॉशरूम करते हैं। मेरे घर में जो है ना कोई स्टोर वगैरह नहीं है, ना सामान वगैरह रखने की कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह नहीं है। तो बस जो दो वॉशरूम है ना हमारे उनके ऊपर जो है छोटी छोटी जो है ना वो दो छतियाँ बनी हुई हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे मचान या जो दो छती जो भी है, तो उस पर ही बस हमने जो है सामान जो है भरा हुआ टूसा हुआ है ना बस वही जगह। ऊपर जो ये देखें फ्रिज के ऊपर आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो मैंने मोहतशिम से बचा कर रखे हैं। अगर टेबल पर रखती ना तो मोहतशिम ने जो ठंडे ठंडे खा लेने थे, क्योंकि फ्रिज में से निकाल के रखे थे, सो मौसम ज़रा सही नहीं है इसलिए मैंने गर्म होने के लिए ऊपर फ्रिज पर रख दी है। टेबल पर मैंने ये मैट लगा के ऊपर से जो इसको फूल जो है प्लास्टिक से कवर कर दिया है, जो कि साफ़ सुथरा रहता है और अच्छा भी लगता है। साथ ही मेरी जो फ्रिज के बराबर में है मेरी संदूक रखी हुई है, ऊपर जो है हस्बैंड की कुछ ऑफिस की दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है और मोहतशिम का टॉय बॉक्स रखा हुआ है। ये बराबर बराबर जो है वो हमारे दो रूम हैं, जो कि हमने एक बेडरूम बनाया हुआ है और एक हमारा ड्राइंग रूम है। तो पहले आपको मैं अपना बेडरूम का टूर करवा देती हूँ। वैसे ज़्यादातर आप लोगों ने मेरा बेडरूम देखा ही होगा, मोहतशिम की मस्तियाँ चल रही हैं। सो मेरा बेडरूम सभी ने देखा होगा जो देखते आए हैं मेरे वीडियोज़ को, तो उन्होंने पूरा ही देखा। वो सामने मेरी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है जो कि हमेशा खाली रहती है मोहतशिम की वजह से। इस दीवार के साथ जो है हमने अपना बेड लगाया हुआ है और दोनों कॉर्नर जो हैं वो मोहतशिम के नाम किए हुए हैं हमने। एक साइड पे मोहतशिम के बैग रखा होता है, दूसरे सॉफ्ट वाइज भरे हुए होते हैं। ऊपर जो है प्यारी सी हमारी सीनरी लगी हुई है। हम असल में रेंट के घर पर रहते हैं, सो हमें जो है ज़्यादा जो कीले वगैरह लगाने की जो है ना वो इजाज़त नहीं है। हमने कुछ नहीं लगाया, बस जो ऑलरेडी लगा हुआ था बस उसी पे ही हमने जो है जो कुछ लगाना था वो लगा दिया है। सामने दीवार आपको गंदी नज़र आ रही होगी, ये मोहतशिम के कारनामे है। मोहतशिम क्योंकि छोटा था सो अब तो ऐसा मैं डांटती हूँ उसे, थोड़ा बड़ा हो गया है, पर जब छोटा था तो गंदे गंदे हाथ जो है गीले गीले हाथ वो दीवार पे लगते हैं तो वो गंदी हो गई है। इधर भी जो है मैंने जो है ना ड्रेसिंग के नीचे ये मैट्स लगा के उसके ऊपर शीशा रखा हुआ है। दोनों जो साइड टेबल्स हैं उन पर भी मैंने मैट लगा के शीशा लगाया हुआ है। ये सारे सॉफ्ट वाइस से भरा हुआ है ना। कलर जो है वो मैं इस वजह से साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि ये वो वाला वॉश वाला नहीं है, सो अगर मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की तो ये कलर हट जाएगा और घर हमारा अपना नहीं है, सो इसलिए जैसा है वैसा ही चल रहा है। एक हमारा जो वॉशरूम है, ये दूसरा वॉशरूम हमारा जो है ये रूम के अंदर है पर हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसे सिर्फ नहाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है कमोड लगा हुआ है और यहाँ मोहतशिम का जो है बाथ टब रखा हुआ है। दूर से छोटा सा नज़र आ रहा है पर माशाल्लाह बाथ टब जो है वो बड़ा है। और यहाँ जो है हमारे और मोहतशिम के मेरे शैम्पू वगैरह है और मास्क वैक्स वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं।
पर इस वॉशरूम में भी ऊपर जो है वो छोटी सी दो छती बनी हुई है जो कि मोहतशिम के टॉयज़ वगैरह, झूले वगैरह और प्रॉम वगैरह से भरी हुई है। बस इतना ही हमारे घर में सामान रखने की गुंजाइश है, बाकी जो सामान जो है वो हम इधर उधर कमरों में बेड के नीचे इधर उधर रखा हुआ है। बहुत परेशानी होती है सामान रखने की वजह से भी, पर ये कि छोटा सा है, प्यारा सा है, खूबसूरत सा हमारा ये घर है। इससे रूम से बाहर निकलेंगे तो सामने ही मेरी डाइनिंग टेबल रखी हुई है और ये हमारा जो लाउंज है ऊपर जो है वो ग्रिल लगी हुई है, फुल खुला हुआ है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से बेतहाशा मिट्टी और मच्छर जो है हमारे घर में आते हैं। ये हमारा किचन है, सामने ही नज़र आ जाएगा रूम से निकलते हुए। और ये हमारा है दूसरा ड्राइंग रूम। वैसे इसे ड्राइंग रूम तो अब कम ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पेस की वजह से हमें जो है वो मोहतशिम की चीज़ें यहाँ रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि और कोई जगह नहीं है रखने की, कोई तीसरा रूम नहीं है जिसमें हम मोहतशिम की चीज़ें रखें। मोहतशिम का माशाल्लाह से अभी हम लोगों ने अकीका किया था, मोहतशिम जब 2.5 साल के हुए तो मोहतशिम की नानू मिने ने काफ़ी सारी चीज़ें दी थी जो कि टॉयस वगैरह भरे हुए हैं दो छत्ती में, बाकी बड़ी चीज़ें जो है ये ऊपर नहीं आ सकती हैं। सो ये मोहतशिम की बाइक, साइकिल और गाड़ी जो है, और ये इनकी स्लाइड जो है वो इसी कमरे में रखी गई है, और इनकी कबर्ड भी जो है वो इधर ही रखी हुई है। एक कॉर्नर पर मैंने ये वाज रखा हुआ है और मैंने सोफ़ों पर चादर इसलिए डाली है, बल्कि मैंने क्या, सभी मिडिल क्लास घरों में ऐसा ही होता है कि सोफ़ों पर जो है चादरें डली होती हैं, जब जैसे ही कोई मेहमान आता है फ़ौरन से चादरें उठा के जो है वो कोनों में भर दी जाती हैं। सबके घरों में यही होता होगा, तो मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है। और ये एक सीनरी मेरी यहाँ लगी हुई है जो कि मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगती है। मेरे ख्याल में सभी को ऐसे चीज़ें अच्छी लगती हैं, अल्लाह का नाम है ये। ये जो है मुझे जो है शादी पर मिली थी, मेरे भाई ने दी थी, वेलवेट है ब्लैक, उस पर जो है वो गोल्डन से काम लिखा हुआ है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा चार्जिंग फैन दूसरे कॉर्नर पे रखा हुआ है, इसी के साथ ही मेरे जो है कुशन्स और फिर मोहतशिम की अलमारी, और ये आ गया है मेरा डिवाइडर। स्पेस देखें कितना कम है, बिल्कुल भी नहीं है। कमरा ये भी फुल हुआ हुआ है ना हमारा, डिवाइडर भी बाहर रखने की जगह नहीं है, और छोटी सी डक बनी हुई है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही आती है यहाँ से। बस एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ जो है ना लाउंज में और दोनों कमरों में जो है ना वो क्या कहते हैं डिज़ाइनिंग हुई हुई है छत पर, तो ये ज़रा अच्छा खूबसूरत सा लुक देता है। और निकलते निकलते ये दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें ज़रा, ये जो है मेरी स्टैंड रखा हुआ है इस कॉर्नर पर, और ये छोटा सा जो है मैंने डस्टबिन रखा हुआ है जो कि यूज़ में कमी बहुत ही कम आता है। और इसके साथ ही इस रूम से भी बाहर जाएंगे तो इसके सामने भी हमें जो है वो डाइनिंग टेबल ही नज़र आएगी। ये है मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा घर जो कि यकीनन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में मुझे रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।